ये साल भारतीय सिनेमा के लिए काफी दुखद रहा है। अभी ये साल पूरा भी नहीं हुआ और बॉलीवुड ने अब तक ऋषि कपूर, इरफान खान और वाजिद अली जैसे बेहतरीन कलाकारों को बीमारी के चलते खो दिया। वहीं अब एक और दुखद खबर सामने आई है। फेमस सिंगर अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल का अस्पताल में निधन हो गया है। बताया जाता है कि वह किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। वो 35 वर्ष के थे और कई महीनों से बीमार चल रहे थे। अनुराधा पौडवाल प्लेबैक सिंगिंग के साथ साथ मशहूर भजन गायिका भी हैं। अब उनके बेटे आदित्य पौडवाल के निधन की खबर ने सबको सदमे में डाल दिया है। अनुराधा पौडवाल का पूरा परिवार गमगीन है। आदित्य 35 साल के थे। जानकारी के अनुसार आदित्य पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। आदित्य पौडवाल किडनी की परेशानी के चलते अस्पताल में भर्ती थे। वे लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। किडनी फेल होने की वजह से आदित्य का निधन हो गया, जो निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद खबर है। और इस खबर के बाद इंडस्ट्री में, खासकर संगीत के इंडस्ट्री में, एक मातमी माहौल हो गया है, मातमी सन्नाटा पसरा है। निश्चित तौर पर ये वर्ष फिल्म इंडस्ट्री और संगीत की दुनिया के लिए बहुत ही दुखद रहा। एसके मिर्जा के साथ मुशर्रफ पालवी, नरजिस न्यूज के लिए। Thank you.